Hello students, good morning. In the previous video, I have told everything about the change of pronoun, change of tense and change of nearness of the reported speech. In this video, I would like to explain all the rules that you have read, though whatever I have explained before. Or according to jo meanings hota hai, वाक्यों के पांच प्रकार के होते हैं. मैंने आपको पहले बताया था. नंबर एक असर्टिव, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव है, तीसरा इंपरेटिव है, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नियम आपको लगेंगे जो मैं अभी बता चुका हूँ. जो कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उनको आगे बढ़ते हुए एक या दो तीन नियम अधिकतर लगेंगे और फिर आपका नरेशन आसानी से हल होता चला जाएगा. पांच में से हम देखेंगे पहले असर्टिव. ऐसे वाक्य जिनकी रिपोर्टेड स्पीच का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो. ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जिनकी रिपोर्टेड स्पीच का क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय निम्नलिखित नियमों का प्रयोग होता है. नंबर एक, रिपोर्टिंग क्लाज तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट. ये कंजक्शन आपको मिला दैट. रिपोर्टिंग क्लाज रिपोर्टेड स्पीच जोड़ने कंजक्शन दैट मिलेगा. दूसरा, रिपोर्टिंग क्लाज के वर्ब को वर्ब सेड टू को टोल्ड, से टू को टेल, सेज टू बराबर टेल्स में बदल देते हैं. सेड से सेज, नो चेंज. इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है. सेड टू टोल्ड, से टू टेल्स, सेज टू टेल्स, पर सेड से और सेज यदि इनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. जो कंजक्शन दैट के बाद पूर्व की भांति सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही नियम लगने हैं. पहला नियम मैंने बताया कि रिपोर्टिंग क्लाज रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं. रिपोर्टिंग क्लाज के बाद सेट टू को टोल में, सेट टू को टेल में, सेट टू को टेल्स में बदलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच के बाद दैट के बाद वाक्य का क्रम पूर्व की भांति असर्टिव रहता है. और जो प्रोनाउन चेंज हैं, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज, नियरनेस चेंज, ये सब के सब पूर्ववत अर्थात पहले की तरह अब पहले की तरह का मतलब क्या है? मैंने आपको नियम बताया था रिपोर्टिंग क्लाज कवर किसी भी प्रेजेंट किसी भी फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है.
यदि रिपोर्टिंग क्लास का वर्ब किसी भी प्रेजेंट किसी भी फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये चेंज ऑफ टेंस था। प्रोनाउन चेंज मैंने बताया, रिपोर्टिंग क्लास में रिपोर्टेड स्पीच में आई और बी का प्रयोग है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन का प्रयोग है किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नियरनेस में क्या करते हैं, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का दियर, देंस का हैंस, ये सारा परिवर्तन होता है। अब मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा और लगभग असर्टिव आपका समाप्त। राम शेड टू मोहन, आई एम राइटिंग ए लेटर। अब मैंने कहा शेड टू जाएगा, टोल्ड में, ये रिपोर्टिंग क्लास है, ये रिपोर्ट स्पीच कंजेक्ट करेंगे दैट से, दैट के बाद ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन चेंज होगा राम से, हो जाएगा यहां, और सीधा फिर टेंस चेंज होगा, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसे फिर जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम ऐसे चेंज करेंगे, राम टोल्ड मोहन दैट ही, ये आपका आई यहां चेंज हो रहा है, ही वाज राइटिंग ए लेटर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। दूसरा क्या है, एक एग्जाम्पल और जाएंगे इसी पर, द बॉयज सेड, कॉमेट कॉम बिगिन, बी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका भी यहां से जाएगा, बनेगा द बॉयज सेड का सेड रहेगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट चूंकि ये प्लूरल पे बहुवचन पे है इसलिए इसका प्रोनाउन होगा दे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका असर्टिव समाप्त हुआ, गिनती के तीन चार नियम लगते हैं, दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड, इंट्रोगेटिव इनटू नेक्स्ट वीडियो।